प्रदेश में 24 मई तक सख्त लॉकडाउन। बेवजह बाहर निकले तो किया जाएगा क्वारंटाइन। इमरजेंसी छोड़ पब्लिक और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट पर रोक है। एक शहर से दूसरे शहर जाने पर भी रोक लगा दी गई है। दूध, मेडिकल और फल सब्जी को छोड़कर सब कुछ बंद है। बैंड बाजा बारात पर भी ब्रेक लगा दिया गया है। केवल घर पर या कोर्ट मैरिज करने की ही अनुमति है। बाहर से आने पर 72 घंटे की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना भी जरूरी होगा। तो प्रदेश में सख्त लॉकडाउन है। केवल घर पर या कोर्ट मैरिज करने की अनुमति। हमारे साथ सारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। आपको बता दें कि जयपुर से नवीन हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, जोधपुर से राजीव, अजमेर से कौशल और कोटा से भंवर एस चारण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन, सबसे पहले आपके पास आऊंगी, मौजूदा स्थिति क्या बयान कर रही है, इस वक्त क्या तस्वीरें जयपुर से निकल कर आ रही हैं? देखिए, बिल्कुल, मैं आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन सुरेंद्र है, वो आपको तस्वीरें दिखाएंगे। मैं इस वक्त हवा महल के बाहर खड़ा हूँ। यहाँ पर जो पुलिस है वो अलर्ट है। जो भी वाहन सड़कों पर आ रहे हैं उनसे पूछताछ की जा रही है, आप कहाँ जा रहे हैं। मेडिकल इमरजेंसी के अलावा किसी भी वाहन को नहीं छोड़ा जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है। साथ ही आपको बता दूं, अब तक जो पुलिस है तकरीबन 8 से 10 वाहनों को अभी तक सीज कर चुकी है और उन्हें घर वापस पैदल भेजा जा रहा है। जो पुलिस के जो PI हैं प्रदीप सिंह जी, वो यहाँ पर खुद मौजूद हैं और वो खुद लोगों से पूछताछ कर रहे हैं। हमारे साथ जो TI हैं प्रदीप जी, वो मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं कि सर, अब तक कितनी कार्रवाई हो चुकी है और किस तरह की आप कार्रवाई कर रहे हैं? बिल्कुल, राज्य सरकार द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है उसकी अनुपालना में सख्ती से अनुपालना कराई जा रही है। जो भी अनावश्यक रूप से वाहन घूम रहा है उसके वाहन चालक के खिलाफ कार्रवाई कर उसका वाहन जब्त किया जाता है। सर, आज वीकेंड कर्फ्यू भी है, लेकिन लग रहा है कि वीकेंड कर्फ्यू है नहीं, लोगों को लोग लगातार सड़कों पर निकल रहे हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है, जो निकल भी रहा है उसके वाहन जब्त किए जा रहे हैं। बाकी ये है कि ज़्यादातर लोग जैसे मेडिकल सेवा, जैसे हॉस्पिटल जा रहे हैं, ज़्यादातर यही हो रहा है या कोई काम पर जा रहा है। बाकी इसके अलावा मतलब पहले से लोग ज़्यादा घूमते थे, काफ़ी कमी आई है। देखिए, बिल्कुल, जो TI हैं प्रदीप सिंह जी, इनका कहना है कि जो लोग बेवजह सड़कों पर निकलेंगे उनकी गाड़ियां सीज होंगी और उन्हें क्वारंटीन सेंटर भी भेजा जा सकता है। दोबारा मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। जो कई वाहन हैं इनसे जो पुलिस है वो पूछताछ कर रही है, इनके पास जरूरी परमिशन है सड़कों पर निकलने की या फिर कहीं जाने की, तो उनकी परमिशन देख कर ही इन्हें जाने दिया जा रहा है, वरना जो भी लोग हैं उनकी गाड़ियाँ सीज भी की जा रही है। रिशा जी, नवीन, बिल्कुल, इनकी गाड़ियां सीज भी की जानी चाहिए। जो लोग बेवजह बाहर निकल रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। राजीव, आपके पास आना चाहूंगी, इस वक्त मौजूदा स्थिति जोधपुर की क्या बनी हुई है? देखिए, जिस तरीके से लॉकडाउन के हालात है, 24 मई तक लॉकडाउन रहेगा। देखिए, पुलिस के जवान हैं, अधिकारी हैं, तमाम जो ड्यूटी दे रहे हैं। देखिए, पुलिस के जवानों के लिए भी जोधपुर के अलग अलग जो संगठन हैं वो आगे आ रहे हैं। इनको जिस तरीके से लस्सी है, पानी है, चाय है, क्योंकि इन कठिन परिस्थितियों में जिस तरीके से पुलिस सेवा दे रही है, आप देखिए कि ये अपने आप में एक बड़ी तस्वीर होती है कि इनको लेकर के भी किस तरह से लॉकडाउन में जो ड्यूटी देते हैं तो उनको जिस तरह से लस्सी पिलाने की बात है, कोशिश कर रहे हैं। तो ये भी तस्वीर जो है इस वक्त पाटा चौराहे की जो है वो आप देख पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है लॉकडाउन और सड़कें, देखिए आज वीकेंड भी है, वीकेंड कर्फ्यू का भी मामला है, लेकिन जिस तरीके से कोशिश की जा रही है। अब एक पुलिस अधिकारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात कर रहे थे। बक्सन जी, किस तरीके से आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन को कैसे पालन करा रहे हैं पुलिस के लिए, जनता समाज से भी तत्पर? बिल्कुल, समाज के सभी जो लोग हैं वो पुलिस और प्रशासन के साथ हैं और इसमें हमारा को जो सहयोग मिल रहा है उससे निश्चित रूप से जोधपुर में आपको देखने को मिल रहा होगा। हर नाके पे समाज सेवी हमारे पुलिस जवानों को किसी न किसी प्रकार से सेवा कर रहा है, इससे हमारा हौसला ही बढ़ता है और हमें और अच्छे से ड्यूटी करने का एक हौसला मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि इससे हौसला बढ़ता है। जो जोधपुर के राजकुमार दादीश है, समाज सेवी है, उनका परिवार जिस तरीके से जुटा हुआ है, बिल्कुल, किस तरह आप कब से सेवा कर रहे हो पुलिस वालों? हमको करीब 8-10 दिन हो गए हैं और हम अभी रेगुलर, एक्चुअल में क्या दोपहर को खूब गर्मी पड़ती है
और मीडिया वाले हैं, पुलिसकर्मी हैं, ये सब यहाँ पे खड़े होकर के ये भी गर्मी के अंदर तपस्या कर रहे हैं, तो इनको कुछ ठंडा मिल जाए। कि ये इतनी भीषण गर्मी में काम करते हैं, आप लोगों की परवाह कर रहे हैं? सर डेली देखते हैं हम लोग तो इनको काम करते हैं, और हेड्स ऑफ है सर को कि मतलब सारी पुलिस वाले सारे मीडिया वाले हम लोगों की इतनी सेवा कर रहे हैं, तो इतनी गर्मी में हमने सोचा हम भी थोड़ी उनकी सेवा कर लेते हैं इसी बहाने। तो आप देखिए तस्वीरों में जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं, किस तरह से परिवार के जो लोग हैं अपना घर काम छोड़ करके इस हालात के पीछे पहुंचे, सड़कें देखिए जिस तरह से सुनसान सड़कें हैं, और कुछ जो इम्पोर्टेंट काम वाले लोग हैं वो आ पा रहे हैं। लॉकडाउन की ये जो तस्वीर है, पुलिस कमिश्नर जोशमोहन है, जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह है वो करें, वहीं राजस्थान सरकार के मंत्री हरीश चौधरी आज जोधपुर में हैं, उन्होंने डॉक्टर से फीडबैक लिया, जिला प्रशासन से फीडबैक लिया, मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों से फीडबैक लिया, तो कहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो मंशा है उसके आधार पर आप देख भी सकते हैं कि जिस तरीके से मथुरदास माथुर अस्पताल के अंदर ऑक्सीजन इंसेप्टर हैं उनकी अलग से व्यवस्था की गई है, और कहीं ना कहीं जो आंकड़ा है वो धीरे धीरे नीचे आ रहा है, 708 जिस तरीके से कल आए हैं उसमें आप अंदाजा लगाइए। लेकिन एक बार फिर से तस्वीरें भवानी सिंह आपको दिखा रहे हैं, चौराहे पर देखिए पुलिस की कोई गाड़ी है, किसी को रोकना, किसी से बातचीत करना, अलग अलग जिस तरीके की तस्वीरें हैं, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस तरीके से परिवार के जो लोग हैं पुलिस के लिए जुटे हुए। जी जी राजीव, तो जोधपुर से राजीव ने तस्वीरें दिखाई जहां पे समाज सेवी पुलिस वालों की हौसला अफजाई कर रहे हैं। कौशल आपके पास आना चाहूंगी, अजमेर की क्या तस्वीरें निकलकर इस वक्त आ रही हैं, किस तरीके से पालना करवाई जा रही है? देखिए ऋषा, जहां तक बात करें हम अजमेर की, तो इस समय हम लोग खड़े हैं अलवर गेट थाने के एक चौराहे पे, और ये वो मुख्य मार्ग है जो शहर के अंदर आता है हाईवे को जोड़ते हुए। अलवर गेट थाने का जाब्ता यहाँ तैनात है, जो आने जाने वाले लोग हैं उनसे बकायदा पूछताछ की जा रही है, और तस्दीक कंप्लीट होने के बाद, पूरी तरह से सेटिस्फाइड होने के बाद ही जो पुलिसकर्मी यहाँ तैनात है वो आगे के लिए उनको रवाना कर रहे हैं। देखिए वाहनों की कतार यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो निश्चित रूप से जो सख्ती है वो भी यहाँ पे कायम है। हम बात करें अगर सड़कों की, तो फिलहाल सड़कें जो हैं वो सुनसान हो चली हैं क्योंकि पुलिस की सख्ती यहाँ पे कामयाब हुई है, तो वहीं कहीं ना कहीं फर्स्ट इंडिया भी लगातार लोगों से जो अपील कर रहा है कि आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, तो उसका भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा असर देखा गया है। आप देख पा रहे हैं कि ये प्रमुख चौराहा है, इस चौराहे पर लोगों की आवाजाही सैकड़ों की संख्या में हमेशा बनी रहती है, लेकिन आज सिर्फ एक या दो व्हीकले नजर आ रहे हैं, और वो भी वो लोग हैं जो अनुमत हैं। यहाँ पर पूरी तरह से सख्ती अपनाई जा रही है, जिला पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो वही जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित भी लगातार पूरी नजर बनाए हुए हैं, चाहे वो चिकित्सा महकमा हो चाहे शहरी दूसरी व्यवस्थाएं हो। यहाँ जो पुलिसकर्मी खड़े हैं, जो इंचार्ज खड़े हैं, हम इन्हीं से बात करेंगे और इनसे पूछते हैं कि किस तरह से जो सख्ती है वो की जा रही है, और इस सख्ती का जो असर है वो आखिर किस तरह से दिख रहा है। दिलीप जी, जो सख्ती लगातार आप कर रहे हैं, अब इसका असर किस तरह से दिख रहा है? अब लोग काफी समझदार हो चुके हैं, बिना काम के कोई बाहर नहीं आ रहा है, केवल वही आ रहे हैं जो आवश्यक सेवाओं में जुड़े हुए लोग हैं, उसके अलावा कोई नहीं आ रहा। तो देखिए निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये बात सामने आई कि लोगों के अंदर भी अवेयरनेस आ गई है और लोग भी समझदार हो गए। ये देखिए ये जो ये सड़क पर निकले हैं, हम इनसे भी बात करेंगे और इनसे भी पूछेंगे कि आखिर सड़क पे आने की वजह क्या है, किस वजह से आप यहाँ पहुँचे? सर मेरे हस्बैंड है जो आज सुबह, उनको रात से तबीयत खराब थी, जी घबराना डर लगना, तो कुंदन नगर में है डॉक्टर अंकुर माथुर, उनको दिखाने के लिए, तो अब उनका खाना लेके जा रहे हैं वो। तो देखिए निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये बात सामने आई कि अब जो लोग सड़कों पे हैं वो किसी ना किसी खास वजह से हैं, और उनके पास जो वजह है वो सेटिस्फाइड करती है कि वास्तव में ये इमरजेंसी है और इनको घर से निकलना होगा। ऐसे स्थिति में जिस तरह से पालना की जा रही है, सख्ती यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो हालात हैं वो बहुत सुखद बन रहे हैं कि हम कोरोना को हरा पाएंगे, और जो सरकार की गाइडलाइंस हैं, जो लॉकडाउन अपनाया गया है, और खासतौर पर आज वीकेंड कर्फ्यू है, तो उसका भी असर यहाँ पे देखा जा रहा है। बिल्कुल कौशल, इसी अवेयरनेस की जरूरत थी। कोटा से भंवर एस चारण भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भंवर, क्या मौजूदा स्थिति है, क्या कोटा में भी लोग इसी तरीके से अवेयर हैं? देखिए कोटा में स्थितियां फिलहाल बहुत ज़्यादा नियंत्रण में तो नहीं दिख रही है, क्योंकि जो संक्रमण की दर है वो 20-21 फीसदी तक अभी भी कोटा में मौजूद हैं, और ख़ासकर शहर के अलावा जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ से काफ़ी चिंताजनक समाचार मिल रहे हैं।
तो कोशिश यही हो रही है भरसक की जो लॉकडाउन लगाया गया है उसकी सख्ती से पालना कराई जाए, मूवमेंट सड़क पर कम से कम हो ताकि कोरोना की चैन को तोड़ा जा सके। चलिए सबसे पहले कोटा की तस्वीरें कैमरामैन आकाशदीप आपको दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि बैरिकेडिंग किया हुआ है और कोशिश हो रही है कि मूवमेंट जो है वो कम से कम हो, और ख़ासकर जो मूवमेंट हो रहा है चाहे वो व्हीकल से हो रहा है चाहे वो पैदल हो रहा है, कम से कम कोशिश की जाए, पूछा जाए आदमी से कि वो सड़क पर क्यों है, अगर अनुमत श्रेणी में है, पासदारी है या फिर कोई वाजिब कारण है तो उसको छोड़ करके दूसरों के खिलाफ पुलिस यहाँ पर एक्शन भी लेने की कोशिश कर रही है। लेकिन बावजूद इसके अगर सड़क का नज़ारा आप देखेंगे तो मूवमेंट तो सड़क पर नज़र आता है। अगर कोटा की बात मैं करूँ तो यहाँ एक बड़ी समस्या ये बनकर उभर गई थी कि यहाँ जो ऑटो है, करीब करीब 10,000 ऑटो कोटा शहर में चलते हैं, पहले ऑड इवन फार्मूला लगाया गया था उन ऑटोज़ का, लेकिन उसके बावजूद भी 5,000 ऑटो सड़क पे थे, तो ऑटो की एक बड़ी भीड़ थी जो कि कहीं न कहीं लॉकडाउन की पालना कराने की जो कोशिशें थी उसको पलीता लगा रही थी। ऐसे में एक फार्मूला निकाला गया, 400 ऑटो चुन करके उनको परमिशन जारी की गई, लेकिन बावजूद इसके भी बात नहीं बनी। ऐसे में कोटा में आज एक नया फार्मूला ईजाद किया गया है, ये ऑड इवन फार्मूला भी नहीं है और ये परमिशन फार्मूला भी नहीं है। अब ये फार्मूला ये है कि कोटा में आज केवल वो ऑटो चलेंगे जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर अंत में 0 और 1 है, कल बारी होगी 2 और 3 की और इसके बाद 4 और 5 की, यानी एक ऑटो चालक को आज ऑटो चलाने के बाद वापस 5 दिन के बाद सड़क पर ऑटो चलाने की परमिशन मिलेगी। तो कोशिश हो रही है कि सड़क पर मूवमेंट कम से कम हो, लोगों को जो उनकी जो बेसिक जो आवश्यकताएं हैं, जो बेसिक सुविधाएं हैं, चाहे आप ऑटो जैसी चीज़ है तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो भी लोगों को चाहिए होता है। ऑटो यूनियन भी कह रही है कि हम गरीब तीमारदारों की भी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो व्यवस्था बनाने की कोशिश हो रही है कि ज़्यादा असुविधा भी नहीं हो लेकिन ज़्यादा मूवमेंट भी नहीं हो। जी बिल्कुल भंवर, एक अच्छी पहल यहाँ पर की गई है। वहीं एक बार फिर से नवीन का रुख करूंगी। नवीन, जोधपुर और अजमेर के मुकाबले कोटा की जो तस्वीर है वो विपरीत निकल कर आई है, मगर अगर जयपुर की बात की जाए तो जयपुर में जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं वो सुखद तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं। ये देखिए बिल्कुल वाकई में जहाँ पर जयपुर की बात करूँ तो मैं हवा महल के बाहर हूँ और मैं आपको तस्वीरें भी दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से पुलिस अलर्ट है। अगर पूरे प्रदेश भर की बात करें तो अब तक पुलिस जो मास्क जिन्होंने नहीं लगाया पूरे प्रदेश भर में 4,50,687 लोगों पर अब तक पुलिस कार्रवाई कर चुकी है, और बिना मास्क पहने जो दुकानदार हैं वो सामान बेचते थे वो 20,440 ऐसे दुकानदार हैं जिनके ऊपर पुलिस ने कार्रवाई की है। सोशल डिस्टेंस की पालन नहीं करने वाले 14,99,217 व्यक्तियों का पुलिस अब तक चालान कर चुकी है। साथ ही जो सार्वजनिक स्थानों पर शराब व गुटखा तंबाकू का जो सेवन करते हैं उन पर भी पुलिस ने अब कार्रवाई की है, और ये पूरी जो कार्रवाई है वो लगातार पूरे प्रदेश भर में जा रही है, और 20,000 से ज़्यादा लोगों के अब तक है ना जो पुलिस चालान कर चुकी है। और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से जो पुलिस है वो लगातार यहाँ पर कार्रवाई कर रही है। एक व्यक्ति है जो पुलिस से रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरी गाड़ी सीज ना करे, ये बिना फालतू के सड़क पर घूम रहा था, उसको कोई काम नहीं था लेकिन फिर भी इसकी गाड़ी पुलिस ने सीज की है। और अब तक अगर बात करें तो पुलिस चालान के जरिए 36,58,600 रुपये वसूल चुकी है, और जिस तरह से पुलिस महानिदेशक हैं ML लाठर, उन्होंने भी जनता से अपील की है कि लॉकडाउन में आप घरों पर ही रहें, और जो बेवजह जो लोग सड़कों पर निकलेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और घरों से बाहर निकलने पर मास्क और वह सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की भी अपील की थी। बिल्कुल, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग बेहद जरूरी है। राजीव, जिस तरीके की तस्वीर आपने जोधपुर की दिखाई है, क्या ये अनुमान लगाया जा सकता है कि अब पॉजिटिव रिजल्ट जल्द निकल कर आने वाला है? देखिए निश्चित रूप से आप देखिए कि तस्वीर के अंदर एक चौराहा, लेकिन पुलिस के जवान कितने मुस्तैदी से जुटे हैं, चाहे महिलाएं हैं चाहे अधिकारी हैं, तो कहने के लोगों के समझ आने लगी। एक अधिकारी से जरा बात कर लेते हैं, आपको लगता है कि लोग अब समझने लगे हैं कि फालतू घर से बाहर निकलने नुकसान है और आंकड़ा भी कम होने लगा है? जब से ये लॉकडाउन लगा है जब से जनता में काफ़ी सुधार हुआ है। जोधपुर में पहले 3,000 पॉजिटिव आते थे जो आज की तारीख में 700-800 आ गए। जनता काफ़ी सुधार है, हमारे कहने से जनता घरों में रह रही है और हम उनको गाइड कर रहे हैं कि भाई घर से बाहर मत निकलो।
कोरोना बहुत ज्यादा फैल रहा है तो लोग समझते हैं जैसा पुलिस समझा रही है उसी हिसाब से आप किस तरह की सेवा कर रहे हैं। कुछ समाज से भी और भी मर जाते या रोज पानी की गाड़ी भर के लाते हैं और पूरे जोधपुर में जितने भी अपने पुलिस के बंधु और सफाई कर्मचारी जो भी मिलते हैं उनके लिए पानी की सेवा है और ये एक ऐसी दवा है जिसे सूंघने से आप देखिए कि पुलिस वालों के लिए कोई पानी ला रहा है कोई लस्सी ला रहा है एक महिला समाजसेवी से भी बात कर मैं आपको लगता है कि जब हम पुलिस वालों के लिए कुछ करते हैं तो निश्चित रूप से उनका मनोबल बढ़ता है तो देखिए कि कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ाने के लिए जिस तरीके से अब आपने पूछा भी था अब रिजल्ट पॉजिटिव आने मतलब अब कब आंकड़े कम होने लगे लगता है कि पुलिस भी अच्छा काम कर रही है लोगों को समझ आ रही है। जी जी सर ये तो है पुलिस वालों की सेवा है डॉक्टर्स पुलिस सारे लोग हैं तभी आज का 2500-3000 से आज 700-600-500 आंकड़े कम हो रहे हैं वैसे ही। तो आप देखिए कि जिस तरीके से तस्वीर आ रही है 3000 जोधपुर में आंकड़े आता है करते थे 700 तक पहुंच गया पुलिस की टीम भामाशाह की टीम समाज सेवी की टीम सब सक्रिय है। जी बिल्कुल राजीव जिस तरीके से जोधपुर में ग्राफ बढ़ता जा रहा था अगर उसमें लॉकडाउन के बाद कमी आई है तो ये एक अच्छी खबर है। कौशल अजमेर जो इलाका माना जाता है जिस इलाके में आप मौजूद हैं वहां पर सैकड़ों की संख्या में लोग आते हैं जैसा कि आपने बताया उसके बाद अगर लोगों का आना जाना कम हुआ है तो ये भी एक अच्छी बात कही जा सकती है। जी ऋषा ये बात बिल्कुल सही है कि जिस तरीके से तेजी से आंकड़े बढ़े थे अजमेर के अंदर यह आंकड़ा 800 संक्रमित रोगियों का प्रतिदिन तक पहुंच गया था आज उस आंकड़े पर अंकुश लगा है और यह आंकड़ा अब इसको देखा जाए तो एक तरह से कोरोना नेगेटिव हुआ है और लोगों के अंदर जो सोच है वो पॉजिटिव हुई है तो यहाँ पर जो आंकड़ा है अब वो 400 से 500 के बीच में आकर रह गया है तो निश्चित रूप से इसका सब जो असर है वो कोरोना के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ना और साथ ही सरकार की और प्रशासन की जो शक्ति है उसका भी असर दिखाई दे रहा है। कैमरा पर्सन तीरथ दिखाएंगे पीछे की तरफ देखिए यहाँ पर बैरिकेटिंग करके जिस जगह मैं खड़ा हूँ अलवरगढ़ चौराहा क्षेत्र में यहाँ बैरिकेटिंग करके भी इस रोड को रोका गया है कि कंट्रोल किया जाए। आप इस तरफ देखिए तो यहाँ पर भी बैरिकेटिंग है और अगर आप इस तरफ देखें तो ये पेट्रोल पंप है इस पेट्रोल पंप के ऊपर भी हिदायत दी गई है ये किसी भी कीमत पे भीड़ इकट्ठी नहीं होने दी जाए और भीड़ अगर इकट्ठी होती है तो ऐसी स्थिति में उसको कंट्रोल किया जाए। कहीं ना कहीं ये सही बात है कि जिस तरह की व्यवस्थाएं अब चाक चौबंद की गई हैं जो शक्ति इस लॉकडाउन में दिखाई दी है उसको लेकर सकारात्मक जो तस्वीरें हैं वो दिखी हैं लोगों में जागरूकता आई है और अब लोग खुद भी समझने लग गए कि देखिए अगर खुद को सुरक्षित रखना है खुद को बचाना है तो सुरक्षित रखना होगा। सरकार लगातार कह रही है कि आप खुद बचिए कोरोना से। जी बिल्कुल तो जिस तरीके से अजमेर के अंदर सरकार प्रशासन सख्त है उसी तरीके से लोग भी जागरूक हैं। भंवर आपके पास आना चाहूंगी क्या वजह है कि कोटा के अंदर प्रशासन सख्त होने के बावजूद भी लोग जागरूक नजर नहीं आ रहे कहां कमी रह गई। देखिए जैसा कि खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि जब तक जन भागीदारी इस पूरी मुहिम में पूरे मन से जुड़ेगी नहीं तब तक इन चीज़ों को कामयाब बनाना काफ़ी मुश्किल होता है। लोगों को ये समझना पड़ेगा कि फिलहाल 24 मई तक का लॉकडाउन है लॉकडाउन से कुछ अव्यवस्थाएं भी है कुछ परेशानियां भी है लेकिन अगर आप अनुशासन का पालन करके क्योंकि देखिए सड़क पर आप आएंगे डॉक्टर का पर्चा होगा तो पुलिस वाला तो अल्टीमेटली आपको जाने देगा। आप नज़ारे देखिए लगातार रोक करके लोगों से पूछा जा रहा है लोगों के पास वाजिब कारण होते हैं तो हो सकता है आपको मूवमेंट मिल जाए आपका चालान भी नहीं बने लेकिन आपको ये समझने की आवश्यकता है कि अगर आप बेवजह सड़क पर आएंगे तो एक और लॉकडाउन होगा और समस्याएं बढ़ेगी केसेस बढ़ेंगे जान पर जो खतरा मौजूद है कोरोना का वो बढ़ेगा। चलिए फिलहाल ऐसे जो मनोज सिकरवार यहाँ पर मोर्चा संभाल करके और यहाँ पहुंचे हैं कोशिश कर रहे हैं लॉकडाउन को कामयाब बनाने की। मनोज जी कितना कामयाब आपको लगता है कि लॉकडाउन हो पा रहा है तीसरा चौथा दिन है? लॉकडाउन काफ़ी हद तक कामयाब हो रहा है करीब 60-70% कामयाब हो रहा है लेकिन फिर भी लोग किसी न किसी बहाने बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। मेडिकल इमरजेंसी और अन्य उनको तो हम छोड़ रहे हैं लेकिन जो इस टाइप से निकल रहे हैं बिना काम के उनका हम चालान कर रहे हैं गाड़ियां जब्त कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। सर जब्ती चालान ये कितने कामयाब हो पा रहे हैं क्या क्वारंटीन भी किया जा रहा है? हाँ इसके अलावा हम जो बिना वजह घूम रहे हैं उनको क्वारंटीन भी करा रहे हैं जिनकी RT-PCR रिपोर्ट पॉजिटिव नेगेटिव आने के बाद ही उनको छोड़ा जा रहा है
हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लॉकडाउन को सफल बनाएं जिससे इस महामारी की चेन को तोड़ा जा सके। चलिए, तो देखिए पूरी तरह से फेस शील्ड में और पूरी तरह से प्रोटेक्शन लेकर के और फ्रंट लाइन पर पुलिसकर्मी तैनात है। SHO मनोज सिंह सिकरवार से हमने आपकी बात कराई, भुवनपुरा थाने के SHO, और आप देखिए किस तरह से यहाँ लगातार नाके पर सख्ती बढ़ा करके, जाब्ता बढ़ा करके और लोगों से पूछा जा रहा है। ये आप देखिए, ये सज्जन है, उनसे पुलिस पूछ रही है कि आखिर वो किस कारण से सड़क पर है। हम भी इनके पास चलने की कोशिश करते हैं। लॉकडाउन है, आपको सड़क पर आना पड़ा, कोई कारण तो होगा, लेकिन क्या इतना जरूरी था? हाँ जी सर, थोड़ा सा मेडिकल कॉलेज तक जाना है सर, कोई एडमिट है तो। चलिए, तो देखिए लोगों के पास अपने कारण है, अपने तर्क हैं, कई बार बहाने होते हैं, कई बार वाजिब कारण भी होते हैं, लेकिन बावजूद इसके कोटा में पुलिस भरसक कोशिश कर रही है कि सड़क पर मूवमेंट कम से कम किया जा सके। जी जी बिल्कुल भंवर, सतर्कता से ही हारेगा कोरोना।